नमस्कार, कैसे हो? अब तो लॉकडाउन भी खत्म होने वाला है। धीरे धीरे लगता है कि हम अपनी पुरानी रूटीन में लौट आएंगे, लेकिन जो इतना टाइम बीच में गया है, इतना समय जो बीच में गया है, उसका क्या? बहुत पीछे चले गए हम, पीछे समय में गए हैं, मन से नहीं गए। मन अभी भी वैसा ही है, आगे बढ़ने की इच्छा है। कोई बात नहीं, एक ब्रेक था, ले लिया, ब्रेक से रिलैक्स हो गए, अब दुगनी शक्ति से आगे बढ़ेंगे। इसी चीज को देखते हुए मैं आपको एक आज किस्सा सुनाती हूँ। आगे बढ़ने के लिए ना, खुद को समय देना पड़ता है। ये किस्सा है दो दोस्तों का। दो दोस्त थे, गांव में पढ़ते थे, पक्के दोस्त थे। एक ठीक-ठीक फैमिली से था, एक अच्छी फैमिली से था। अब 10वीं क्लास तक गांव में स्कूल था, 10वीं क्लास तक दोनों ने साथ पढ़ाई की। जो ठीक ठीक घर का था, उसके डैडी ने कहा कि बेटा, अब तुमने पढ़ाई कर ली है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम तुम्हें शहर भेज सकें, तो तुम यहीं रहकर काम धंधा करो, चाहो तो मेरे साथ सेट हो जाओ, चाहो तो अपना इंडिपेंडेंट कर लो। और दूसरा जो है, उसके माता पिता अच्छी मतलब हैसियत के थे, तो उन्होंने कहा जाओ बेटा, तुम खुद को समय दो और कामयाब बनो। तो उसको पढ़ने के लिए भेज दिया शहर में। अब जो गांव का लड़का था, उसने अपने आप को कितना समय दिया? 10वीं क्लास तक वो पढ़ा। 10वीं क्लास तक जो पढ़ेगा, उसने अपने आप को 10 साल 12 साल दिए। उसके बाद उसने अपना काम धंधा शुरू कर दिया। उसका काम धंधा जो है चल निकला। वो डेली का 50 रुपये 60 रुपये ऐसे कमा लेता था, तो उनकी लिमिटेशन भी उतनी ही थी, वो उसी में सेटिस्फाइड थी। लेकिन इसके ऑपोजिट उसका जो दोस्त था, वो अपना शहर चला गया। अब शहर चला गया, वहां जाकर उसने 8-10 साल खूब स्टडी की, और उसके बाद जो है वो 8-10 साल बाद गांव में लौटा। अब गांव में लौटा, दोनों दोस्त मिले, एक दूसरे का हाल चाल पूछा, अभी हाँ कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही। तब तक जो गांव में दोस्त रहता था, उसकी शादी भी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी हो चुके थे। और जो दूसरा शहर का वाला दोस्त था, वो अपना अभी अनमेरिड था, लेकिन उसकी जो जॉब थी, वो किसी अच्छी पोस्ट पे लग गई, और वो शहर में वहीं। अब जो 10वीं क्लास पास था, उसने अपनी लाइफ का थोड़ा समय दिया आगे बढ़ने के लिए, तो वो एक दुकानदार बन गया। वो 50-60 रुपए कमाता था, तब तक वो 100 रुपए तक आ गया। यानी कि उसकी जो ग्रोथ थी, वो इतनी रही। और जो दूसरा शहर में पढ़ने के लिए चला गया था, उसने अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए सफिशियंट टाइम दिया, उसकी अच्छी जगह जॉब लग गई, तो उसकी ग्रोथ इतनी थी। एक लेवल बता रही हूं। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास अच्छा मतलब घर परिवार है, आपके माता पिता आपको पढ़ाने में सक्षम है, तो आप अपनी लाइफ को समय दो। अपनी लाइफ को बीच में मत छोड़ो। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है, लेकिन अगर आपके पास सारी सुविधाएं हैं, तो आप अपने आप को आगे बढ़ाने का समय दो। और एक निश्चित लेवल तक पहुंचकर सबसे पहले जो इंसान है, वो अपनी लाइफ को संवारता है। माँ बाप पैसा लगा सकते हैं, समय जो है बच्चे ने अपना लगाना होता है। तो इसलिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को समय दो और कामयाब बनाओ। इस बात को गांठ बांध लो, आपके बहुत काम आएगी। समय दो, मेरे को भी समय दो। मेरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स दो अपने। ये आपका अपना चैनल है, मैं भी अपना समय आपको दे रही हूँ। जितना समय मैं आपको देती हूँ, आप मुझे उतना दो देख के, और मेरी वीडियो को इतनी ग्रोथ दो, इतनी नहीं, इतनी ग्रोथ दो। मैं आपको बहुत टाइम दूंगी। और मेरा एक और चैनल है, वीना कालरा किटी ब्यूटी पार्लर, उसको भी प्लीज आप सब्सक्राइब कर दो। और उसमें काफी वीडियोज हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होंगे। वो प्रैक्टिकली है, ये थ्योरी में है, फर्क यही है, लेकिन दोनों ही आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे, ये मेरे को अपने ऊपर पूरा भरोसा है। नमस्कार।